हे गाइस, तो 11 बज चुके हैं अब और मैं अब 11 बजे अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज है बुधवार, तो सुबह मेरे हस्बैंड गए थे और बच्चे स्कूल चले गए, तो मेरा काम भी फ्री हो गया था। तो मैंने सोचा मैं ना आज थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ, तो रेस्ट लेते लेते मेरी जो आँख लग गई और मैं सो गई। और अभी उठी हूँ 11 बजे और अभी मुझे बनानी है सब्ज़ी। मैं काबुली चने बना रही हूँ, वाइट छोले जो होते हैं वो, और मैंने उनको बॉयल कर लिया है। तो सुबह बच्चों के लिए बनाई थी अपनी बाड़ी की भिंडी मैंने, तो कल मैंने भिंडी को तोड़ के रखा था। और तो सुबह बच्चों के लिए, मतलब भूमिका को बहुत अच्छी लगती है भिंडी, तो भूमिका के लिए स्पेशल बनाई थी। प्रथम को इतनी अच्छी पसंद नहीं है लेकिन खा लेता है। तो अभी बस मैं काबुली चने बना रही हूँ और काबुली चने के साथ बूंदी वाला रायता होगा और चावल और रोटी होगी और साथ में खीरा होगा। तो चलते हैं किचन में, काफ़ी लेट हो गई हूँ आज मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो सुबह नाश्ता नहीं करते वो दोपहर को जल्दी करते हैं लंच आके, और अभी आज 12 बज चुके हैं मेरे को। फटाफट से चलते हैं, लेट हो रहे हैं। तो आ गए हैं गाइज हम किचन में और अभी बनाएंगे फटाफट से सब्जी। तो काफ़ी लेट हो गए हैं और एक तरफ मैंने जो चाय चढ़ा दी है, चाय मेरे हस्बैंड आके लेते हैं ज़रूर, चाय जब आते हैं ड्यूटी से तो चाय लेते हैं वो आके। और अब थोड़ा कम कर दी थी लेकिन आज जो हमने होल्डिंग वाले को बुलाया, होल्डिंग वाले भैया हमारा होल्डिंग बना रहे हैं बाहर, तो उनके लिए भी एक कप चाय बनेगा और एक कप मेरे हस्बैंड के लिए। और इधर मैंने सब्ज़ी बनाई हुई है और इधर मेरी जो बोतलों में है, मैंने आज ऊपर जो फ्रीजर में अपनी बोतलें रख दी थी तो उसमें बर्फ़ जम चुकी थी, तो अब मैंने इनको बाहर निकाल के रखा है, अभी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई हैं। तो अभी फटाफट से बना लेते हैं सब्ज़ी। और जो मेरे काल जो ये मैंने अपना जो मसाला है इसमें से निकाल दिया है सारा, दो मैंने टमाटर लिया है, सारे टमाटर मैं एक और पाऊँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को दो तीन टमाटर तो चाहिए सब्ज़ी में। तो ये बूंदी मंगाई है, ये डालनी है उसमें। और अभी तड़का लगाएंगे सब्ज़ी में और काले जीरा डाल देते हैं। आज पूरियां खाने का मन था, खाने पूरियां, तो देखते हैं शाम को अगर बनानी होगी तो शाम को बनाएंगे। दिन में गर्मी है बहुत तो खाई नहीं जाती पूरियां और फिर प्यास प्यास लगती है, मतलब तली हुई चीज़ें खा के। काबुली चने बनाते हैं तो हम उसमें अच्छा कलर लाने के लिए अगर एक पोटली बना के ना उसमें जो चाय पत्ती होती है उसको डाल के और उसको बंद करके पोटली को अच्छी तरह से ऊपर से कवर करके उसको, तो आप जब काबुली चने बॉयल करते हैं तो उसमें आप डाल सकते हो। उससे क्या है कि जो काबुली चनों का जो कलर है वो अच्छा हो जाता है, लेकिन मैंने नहीं डाली क्योंकि हम सिंपल घर पर ही बना रहे हैं तो इसलिए मैंने नहीं डाली उसमें। तो आप डाल सकते हो अच्छा कलर लाने के लिए, और तो इससे मतलब जो कलर है छोलों का अच्छा हो जाता है, जैसे भंडारे में होता है अच्छा अच्छा मैरिज में होता है तो ऐसे वाला कलर आ जाता है। और मेरा जो प्याज है तकरीबन भून चुका है और मैं बस उसमें जो टमाटर मैंने काट लिए हैं तो टमाटर मैंने डाल दिया है। मेरी चाय भी बन चुकी है तकरीबन, तो गर्मी काफ़ी हो गई है अब। और अभी हमने संडे को शायद हम गाँव जाएँगे क्योंकि जो संडे को हमारे गांव में जो बाबा गुरु गोरखनाथ जी हैं उनका भंडारा, जिनकी शायद मैंने गांव वाली वीडियो में जिनका आपको स्थान दिखाया था, वो हमारे गांव के खेतों में स्थान है बाबा जी का, हमारे घर से थोड़ी ही दूर है मतलब, तो उन बाबा जी का भंडारा है। संडे को जाएंगे हम गांव में, तो बहुत गर्मी होती है जिस दिन बाबा जी का भंडारा होता है उस दिन बहुत गर्मी होती है। तो हम कहते हैं कि थोड़ा सा मतलब जैसे मार्च या अप्रैल में कर लो, लेकिन वो खेतों का चक्कर पड़ता है, खेत खाली नहीं होते ना फिर, और खेतों में जो क्या बोलते हैं वो जो टेंट वगैरह लगता है खेतों में, तो लंगर वगैरह आराम से आता है क्योंकि बहुत पब्लिक आती है, आसपास के गाँव से भी बहुत आते हैं, जैसे खेत खाली हो जाते हैं इसी चक्कर में वो मई के महीने में करते हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है गर्मी में, बच्चे मतलब कुछ खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, रहा नहीं जाता मतलब वहाँ से। और सूट मेरा सिल के नहीं आ रहा अभी तक,
संडे को जाना है ग्राउंड, बुधवार हो गया, 3 दिन बाकी मंदिर से। और जो जिस टेलर में से मैं सिलवाती हूँ उनका फ़ोन नंबर भी मिल गया है। और शॉप पे गई थी तो शॉप भी बंद है। ऐसे पानी में थोड़ा डिप करके इसको, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और अभी मैं इसको दही में ट्रांसफ़र कर दूंगी। और ये मैंने वॉश कर लिया है धनिया अपना, तो अभी धनिया को काट के मैं थोड़ा सा दही में भी डाल लूँगी। और सब्ज़ी में डालना ही है, काफ़ी गंदा होता है धनिया, मतलब अब गर्मी का धनिया बहुत गंदा होता है। और इसमें जो कीड़े वगैरह होने का भी डर रहता है, तो बहुत बारीकी से इसको छांटना होता है, धोना होता है बहुत अच्छे तरीके से। मैंने इसको 3-4 बार वॉश किया। फिर पॉसिबल हो सके तो गर्म पानी में हम हर सब्ज़ी वेजिटेबल को थोड़ा सा वॉश करें, अगर आप कर सकते हो तो हमें गर्म पानी से करना चाहिए। मैंने अभी तो ऐसे ही इसको वॉश कर दिया है, अच्छे तरीके से वॉश कर दिया है। तो काफ़ी लेट हो गए आज, और अभी मैं फटाफट से अपना जो दही है रायता वो तैयार कर लेती हूँ। नमक इसमें जब हम खाएंगे तभी मैं डालूंगी नमक इसमें, तो अभी मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो और सब्जी तक बन चुकी है, इस सब्ज़ी में हरा धनिया डालेंगे। और मेरे हस्बैंड ही धनिया काटेंगे, क्योंकि मेरे से थोड़ा सा मोटा मोटा कटता है धनिया, बारीक नहीं कटता। तो मेरे हस्बैंड ही अभी उसको काटेंगे धनिया को इसमें सब्ज़ी में डालने के लिए। बस अब मेरे चावल, सब्जी, दही और अभी फुलके बनाने हैं फटाफट से। कर दिए हैं जो हमने खाना खाया था अभी, तो वो बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं। गैस वैस सब साफ क्लीन है एकदम। और अभी जब बच्चे आएंगे तो बच्चों का लंच वगैरह, उनके खाने के जो बर्तन होंगे करना है, क्लीन करना है उनको भी, तो फिर ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने अपने खाने के जो बर्तन हैं वो साफ़ कर दिए हैं। बच्चों के आने में भी टाइम है, बच्चों को टाइम लग जाएगा अभी आने में। तो अभी थोड़ा सा मैं इतना, जब तक वो आएँगे तब तक मैं रेस्ट लूँगी थोड़ी देर, क्योंकि जब वो आ जाते हैं फिर उसके बाद रेस्ट नहीं लिया जाता। तो अभी मैं जो अपनी मेडिसिन ले रही हूँ, मुझे पानी में इसको 20 बूंद डाल के लेना होता है।
तो गाइस बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से और बच्चों ने खा भी लिया है खाना, और अभी थोड़ी सी देर ही लेटी थी मैं, तभी बच्चों का टाइम हो गया। फिर इनको लेके भी आना होता है क्योंकि दोपहर का टाइम है, तो बच्चों का बैग वगैरह जो बहुत भारी हो जाता है, और मैं बहुत परेशान हूँ बच्चों के लिए, भूमिका के लिए स्पेशल, क्योंकि जो भूमिका का बैग है वो काफ़ी भारी हो जाता है और मेरे से ही नहीं उठाया जाता। तो बच्चे और इसका मेरे ख्याल से तीसरी थर्ड शायद फोर्थ फ्लोर पे है भूमिका का जो क्लासरूम है ऊपर स्कूल में, तो काफ़ी सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है बच्चों को। तो मैं बहुत परेशान हूँ बच्चों के लिए कि इतनी मतलब बच्चे इतना भारी बैग लेके ऊपर चढ़ते हैं, जो बच्चों की हाइट है वो रुक जाती है इसकी वजह से, कि बच्चे अपने जो कंधों पे हैं इतना भारी बोझ लेके चलेंगे तो बच्चों की हाइट तो वैसे ही रुक जाएगी। और अब भूमिका अब ग्रोथ कर रही है, भूमिका की हाइट जो धीरे धीरे बढ़ रही है, और मुझे बहुत चिंता रहती है भूमिका के लिए। तो अभी बच्चों ने खाना खाया है, असल का ग्रोसरी का सामान है जो मैं बहुत कम खरीदती हूँ, ज़्यादातर मेरे हस्बैंड ही खरीदते हैं सब्जी वगैरह, जो जो भी ग्रोसरी का सामान है मैं कभी नहीं गई लेने। तो जब भी जाते हैं सब्जी वगैरह भी मैं कभी नहीं खरीदती हूँ, मेरे हस्बैंड ही खरीदते हैं, कोई फ्रूट खरीदना सब्जी खरीदनी। तो मैंने अभी परसों थोड़ा सा यहीं पर जो देसी चने और देसी जो दालें वगैरह कल रेड़े पर लेके आते हैं वो, तो मैंने उनसे ख़रीदा, तो मतलब इतना महंगा उन्होंने दालें, मतलब जो छोले हैं काले चने और राजमा से ज़्यादा महंगी दालें लगाई उन्होंने। तो मैंने फर्स्ट टाइम ख़रीदा तो मतलब एहसास हुआ यार बहुत महंगी चीज़ें हैं। तो मतलब हम तो हाथ खोल के खर्चा करते हैं, लेकिन हस्बैंड लाते हैं, कभी हमें शिकायत नहीं करते कि इतनी महंगी है कोई चीज़ या नहीं है। मतलब जब हम खुद करते हैं, कहने का मतलब ये है, रोकते तो हमारे हस्बैंड है नहीं कभी भी खैर, लेकिन जब हम खुद करते हैं अपने हाथों से करते हैं तब हमें पता चलता है आटे दाल का भाव की क्या मतलब कितनी महंगाई है। और हमें भगवान का शुक्र करना चाहिए कि जो हमारे पास है वो ना जाने कितने लोगों के पास नहीं है, तो हमारे पास सब कुछ है। हमें हैप्पी रहना चाहिए हर चीज़ में, हमें खुश रहना चाहिए हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में हमें अपनी खुशी को ढूंढ लेना चाहिए। तो आज वीडियो ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़्यादा ही लंबा हो गया है, क्योंकि 12 बजे से वीडियो स्टार्ट है और अब 2:30 बज चुके हैं। तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं आपको फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आज जो सब्ज़ी है वो बहुत टेस्टी बनी थी, आलू छोले हैं जो भंडारे जैसी सब्ज़ी बन रही थी, बहुत अच्छी लगी खाने में। तो शायद शाम को हम उनके साथ छोलों की सब्ज़ी के साथ शायद पूरी बनाएंगे, देखते हैं शाम को। लेकिन मेरे हस्बैंड को जो पूरी है वो पसंद नहीं है, हम सब खा लेते हैं लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है पूरियां खाना, उनको ज़्यादा पूरियां मतलब उनसे खाई नहीं जाती। बस आज का यही मेरा छोटा सा वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरा वीडियो तो लाइक कर लेना। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।